चलिए, हमने पहले पढ़ चुके हैं मास कर्व, है ना। और क्या क्या पढ़ा था हमने? मास कर्व, हाइटोग्राफ और डबल मास कर्व। अब हम देखते हैं मीन प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो ये कोई एक एरिया है, ठीक है। अब इसमें अगर एक रेनफॉल रेन गेज लगा है तो ये तो मुझे सिर्फ क्या बता रहा है, पॉइंट रेनफॉल बता रहा है ना। रेन गेज, रेन गेज क्या करता है कि हाँ इस जगह में जितना पानी गिरा है, ये एरिया बहुत बड़ा है ना, बहुत किलोमीटर स्क्वायर का है, तो सिर्फ जो यहाँ पे पानी गिरा है वही बताएगा ना रेन गेज। तो मैं इसको मीन करने के लिए क्या करूँगा, पूरे एरिया का अगर मुझे निकालना है तो रेन गेज तो आपको सिर्फ पॉइंट रेनफॉल बताएगा कि हाँ उस पॉइंट में कितनी रेनफॉल हुई है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसके आसपास और जितने रेन गेज हैं है ना, उनको भी एक्यूमुलेट करके मीन कर लूंगा उनका। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अगर मुझे एक एरिया की रेनफॉल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, उसमें जितने रेन गेज लगे हुए हैं उनका मीन कर लूंगा। अब इसका अलग अलग मेथड से है ना। पहली मेथड देखेंगे हम। फर्स्ट मेथड है अर्थमेटिक मीन मेथड। अर्थमेटिक मीन मेथड, ठीक है। ऐसा कुछ हमने एक और पहले कुछ सुना था, जब हम एस्टिमेट कर रहे थे है ना, जब हम एस्टिमेट कर रहे थे तब हमने देखा था अर्थमेटिक मीन मेथड। क्या एस्टिमेट कर रहे थे हम? मिसिंग डाटा, ठीक है। कोई डाटा अगर मिस हो जाता था तो हम अर्थमेटिक मीन मेथड यूज करते थे। किसके लिए? जब वेरिएशन 10% से कम हो, ठीक है। सेम यहाँ पे, अगर ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है हर स्टेशन में, मान लो ये वन स्टेशन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ठीक है, सब में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है। मान लो इधर आ रहा है, इधर कुछ 60 mm की बारिश हुई है, मान लो एक दिन की है ना, इधर 70 की हुई है, यहाँ पे 70 ज़्यादा हो जाएगा है ना, 63 ले लेते हैं हम है ना, 63, यहाँ 59, यहाँ पे 61, यहाँ पे 58, यहाँ पे मान लो 60, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है कि हर स्टेशन में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है, मतलब वहाँ जिस एरिया में रेनफॉल हुई है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। रेनफॉल कैसी है? यूनिफॉर्म है। तो जब रेनफॉल यूनिफॉर्म होती है तब हम क्या करते हैं, नॉर्मल आप अर्थमेटिक मीन मेथड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब अर्थमेटिक मीन मेथड का फॉर्मूला क्या था वहाँ पे, कि सबका उठा के मीन कर लो। बस यहाँ पे भी वही होगा, क्या करोगे आप, मीन कैसे निकालोगे, P1 प्लस P2, इसको P1 मान ले रहा हूँ है ना, P2, P3, P4, समझ रहे हैं ना। P1 कितना हो जाएगा 60, P2 कितना हो जाएगा 63, P3 कितना हो जाएगा 61 एंड सो ऑन, P5 प्लस P6, और इन सबको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, सिक्स से, क्योंकि टोटल कितने थे हमारे पास, सिक्स स्टेशंस, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपल मेथड है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी कैसी होगी, लीस्ट है ना, सबसे कम एक्यूरेसी होगी। लेकिन आप इसको कहाँ पे यूज कर सकते हो, जहाँ पे हमारी रेनफॉल यूनिफॉर्म, तभी आप अर्थमेटिक मीन मेथड को यूज कर सकते हो। क्लियर है? इसका भी एक प्रॉब्लम कर लेंगे हम, इस पहले हम तीनों मेथड को समझ लेते हैं, ठीक है। अब अगर वेरिएशन ज़्यादा हो गया तब क्या करोगे आप, और इसमें एक और चीज़ है कि अगर एरिया के बाहर कोई है, मान लो यहाँ पे कोई 7 नंबर स्टेशन आ गया, कोई रेन गेज यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते। किस केस में? अर्थमेटिक मीन मेथड के केस में। क्लियर है अर्थमेटिक मीन मेथड? नेक्स्ट मेथड आते हैं हम। नेक्स्ट मेथड है हमारी थीसेन पॉलीगन मेथड। थीसेन पॉलीगन मेथड, ठीक है। इसमें देख लेते हैं हम। मान लीजिए कि ये कोई एरिया है बहुत बड़ा सा, इसमें 6 रेन गेज लगे हैं, इसमें हम आउटसाइड के रेन गेज को भी कंसिडर करेंगे। क्लियर है? आउटसाइड के भी जो हैं ये दोनों, इनको भी आप कंसिडर करोगे, ठीक है। ये कब यूज करोगे? जब वेरिएशन थोड़ा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल जब यूनिफॉर्म चल रहा है तब तो हम अर्थमेटिक मीन मेथड यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर वेरिएशन थोड़ा भी ज्यादा है
तो हम किस पे आ जाएंगे, थीजन पॉलीगन या फिर हमारी एक और मेथड है उस पे, ठीक है। अब थीजन पॉलीगन को यूज कैसे करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जैसे हर यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे जो रेंगेज जो एरिया कवर कर रहा था वो आपने कंसिडर नहीं किया। नहीं तो क्या हो सकता है, मान लो ये कोई बड़ा एरिया है, इसमें यहाँ कहीं पे वन स्टेशन है, यहाँ पे दो हैं, बस दो ही स्टेशन है, ठीक है, यहाँ पे दो हैं, तो मान लो दो ज़्यादा कवर कर रहा है एरिया, है ना, वन कम कवर कर रहा है एरिया, है ना, तो आप क्या करोगे, मान लो दो यहाँ कहीं बीच में है, ठीक है, तो दो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है और स्टेशन वन कम एरिया कवर कर रहा है, ठीक है, तो इसमें एरिया का वेटेज दिया क्या हमने, नहीं दिया, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म थी रेनफॉल, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा था। लेकिन हम थीसन पॉलीगन में आते हैं तो यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है और एरिया कवर्ड बाय द रेन गेज भी कुछ अलग है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या करोगे आप, आपको मान लो ऐसा मिल गया अगर प्रॉब्लम, है ना, ऐसा तो नहीं मिलेगा, अलग अलग शेप का मिलेगा, वो हम देखेंगे प्रॉब्लम में। चलिए तो हम देखते हैं कि थीजन पॉलीगन में हमको क्या क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे जिससे हम इससे भी मीन रेनफॉल निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही कुछ शेप का आएगा थोड़ा मोर ओवर, या उनमें स्क्वायर भी आ सकता है, नॉर्मल सर्कल भी आ सकता है, क्योंकि आप एग्जाम में ऐसे में एरिया निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, दो स्टेशंस को ज्वाइन करोगे, ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, मैंने ये स्टेशन वन से थ्री को ज्वाइन कर लिया और वन से फाइव को ज्वाइन कर लिया और फाइव से थ्री को ज्वाइन कर लिया, तो क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको नंबर ऑफ कन्वेंशनल ट्रायंगल्स बनाने होंगे इसमें, ठीक है। और कैसे बना सकता हूं मैं, एक ये बन गया थ्री से फोर, फोर से फाइव, ये भी एक ट्रायंगल बन गया। और कैसे बना सकता हूं मैं ट्रायंगल, ये भी बन गया एक ट्रायंगल टू फोर फाइव, और क्या बन सकता है, एक ये भी बन सकता है वन फाइव सिक्स, और एक ये भी बन सकता है टू फाइव सिक्स। अब आप बोलोगे कि सर हम वन टू फाइव भी तो बना सकते हैं, है ना, या थ्री सिक्स तो टर्नेटी है, वन टू फाइव भी बना सकते हैं, है ना, लेकिन वन टू फाइव आप नहीं बना सकते, क्योंकि इसका एक रूल है कि जब भी आप नंबर ऑफ कन्वेंशनल ट्रायंगल बनाओगे तो दूसरी कोई लाइन नहीं कट होनी चाहिए। तो अगर मैं वन से टू के तरफ जाऊंगा तो ये फाइव सिक्स की लाइन कट हो जाएगी, है ना, तो मैं ये नहीं कर सकता। क्लियर है पहला रूल, पहला रूल क्या है, हमको नंबर ऑफ कन्वेंशनल ट्रायंगल्स बनाने हैं विदाउट कटिंग एनी लाइन, ठीक है। मैं आपको रूल लिखवा दूंगा अच्छे से, अभी बस समझेंगे, ठीक है, क्लियर है। पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में बांट दिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम बाइसेक्टर निकालेंगे। तो वन और थ्री का बाइसेक्टर मतलब बीच वाला, है ना, तो वो कुछ यहां पे आएगा ऐसा, है ना। इसके बाद आप इसको एक्सटेंड कर दोगे बाइसेक्टर को, लेकिन इसके बाइसेक्टर से कनेक्ट करके, ऐसा कि कोई स्टेशन क्रॉस ना हो लाइन से। अगर मैं इस लाइन को सीधा ले जाऊंगा तो फाइव क्रॉस हो सकता है, तो मैंने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया कुछ इस तरीके से। सिमिलरली यहां पे भी एक बाइसेक्टर आएगा जो कि ऐसा कुछ काट रहा होगा, यहां पे भी एक बाइसेक्टर आ जाएगा, यहां पे भी होगा एक आध बाइसेक्टर, ठीक है। और कहां आएगा एक बाइसेक्टर, यहां कहीं पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या देख रहा हूं कि मैंने सारे स्टेशन का कुछ एक एरिया आ गया है, सारे स्टेशन का आपने अगर ध्यान दिया हो कि नंबर वन के पास क्या हुआ, ये एरिया कवर्ड हो गया इसके पास पूरा, ये देखेंगे नंबर वन का ये एरिया कवर्ड हो गया पूरा, तो ये एरिया क्या कहलाएगा, मान लो मैं इसको बोल रहा हूँ ए वन, ठीक है, और यहाँ जो बारिश हुई है उसको मैं बोल रहा हूँ पी वन, बारिश हुई है यहाँ पे मान लो, क्लियर है। सेम वैसे ही थ्री कितना एरिया कवर कर रहा है, थ्री मेरा ये वाला एरिया कवर कर रहा है, ये पूरा थ्री के अंडर आ गया, देख सकते हो आप, ये पूरा थ्री के अंडर आ गया, लेकिन मैं इसको एक्सटेंड नहीं कर सकता उस एरिया से,
भले मैंने बाहर वाला रेन गेज कंसिडर किया है, ठीक है, लेकिन एरिया मैं उस कैचमेंट के अंदर तक का ही लूंगा, ठीक है। तो थ्री का एरिया यहीं तक का आएगा बस। सेम केस सिक्स के साथ होगा, सिक्स के पास क्या एरिया आएगा, सिक्स के पास सिर्फ इतना एरिया आएगा, ये एरिया नहीं आएगा, ठीक है, इसको ये एरिया नहीं आएगा सिक्स के पास, ठीक है। क्लियर है, ये हो गया सिक्स का एरिया। अब टू के पास कितना सारा एरिया है देखेंगे, टू के पास ये ज्यादा एरिया है, क्यों, क्योंकि इस साइड में रेन गेज कम थे तो टू को ज्यादा एरिया कवर करना पड़ा, यहां रेन गेज ज्यादा थे, है ना। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं भी होगा, यूनिफॉर्म भी होंगे रेन गेज, ठीक है, ये एक हम समझने के लिए देख रहे हैं बस। फोर के पास क्या एरिया आ जाएगा, फोर के पास ये एरिया आ जाएगा, ठीक है, और बीच का जो बचा वो किसका हो गया, फिफ्थ का। क्लियर है प्रोसेस। वैसे ही अगर यहां की बारिश कितनी होगी, इसको हम ले लेते हैं P3 और एरिया कितना होगा A3। क्लियर है, वैसे ही फोर के पास एरिया होगा A4, टू के पास का एरिया को हम ले लेते हैं A2, ये हो गया A6, ये हो गया A5। और वैसे यहाँ की बारिश क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी P4, ये हो जाएगी P2, ये हो जाएगी P6, ये हो जाएगी P5। तो अब हमको सारे रेन गेज का एरिया कितना कवर कर रहे हैं ये पता चल गया है, और बारिश तो पता ही है, रेन गेज ऑटोमेटिक आपको बारिश की डेप्थ दे देगा, ठीक है। तो अब आप इसमें मीन कैसे निकालोगे, मीन हम इसमें निकालेंगे P मीन इज इक्वल्स टू, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो पी एम, है ना, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप पी एम। पी एम क्यों, हम क्योंकि मीन प्रेसिपिटेशन निकाल रहे हैं ना, ठीक है। तो आ जाओ क्या होगा इसका फॉर्मूला, पी वन ए वन प्लस पी टू ए टू प्लस पी थ्री ए थ्री प्लस एंड सो ऑन प्लस पी सिक्स ए सिक्स डिवाइडेड बाय होल एरिया ऑफ द कैचमेंट, ठीक है। होल एरिया क्या हो जाएगा, P1 वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस सॉरी ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फाइव प्लस ए सिक्स, ठीक है। क्लियर है, हमने क्या किया, सारे प्रेसिपिटेशन को एरिया से मल्टीप्लाई करके प्लस कर लिया पहले, और उसको डिवाइड कर दिया होल एरिया से, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक और चीज है वेटेज फैक्टर, या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, ये सिंपल है, या तो फिर आप क्या करो सारे का वेटेज निकालो। कैसे निकालोगे आप, W1 क्या हो जाएगा, W1 मतलब वेटेज 1, ये क्या होगा, ये हो जाएगा ए वन अपॉन होल एरिया, ठीक है। होल एरिया मतलब ए वन भी आ गया, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, ये पूरे कैचमेंट का होल एरिया, ठीक है, ये आ गया वेट W1। वैसे सिमिलरली W2 क्या होगा, A2 अपॉन होल एरिया, ऐसे ही चलता जाएगा। और W6 क्या हो जाएगा मेरा, W6 होगा A6 बाय होल एरिया A, ठीक है। और फिर आप इसका P मीन कैसे निकाल सकते हो, P1 इंटू W1 प्लस P2 इंटू W2 प्लस एंड सो ऑन P6 इंटू W6। लेकिन ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो गया है ना, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम तो सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, पहले सारे एरिया का वेटेज निकाल लो, फिर उसको प्रेसिपिटेशन से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर डायरेक्ट एरिया के साथ मल्टीप्लाई करके अपॉन होल एरिया से डिवाइड कर दो। क्लियर है थीजन पॉलीगन, इसके हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो और क्लियर होगा आपको, ठीक है। लास्ट थर्ड मेथड देख लेते हैं हम मीन करने की, वो है आइसोहाइटल मेथड, आइसोहाइटल मेथड, ठीक है। अब इसमें देखो आइसोहाइट नाम आ गया एक, है ना, आइसोहाइट। और आइसोहाइट क्या होता है, जैसे कंटूर क्या होता है, सर्वे में पढ़ा होगा आपने कंटूर, है ना, कंटूर क्या होता है, कंटूर क्या होता है, कंटूर क्या होता है, जो इक्वल एलिवेशन ऑफ द ग्राउंड को लाइन जो ज्वाइन करती है उसको हम क्या बोलते हैं,
कंटूर, है ना। सेम अगर रेनफॉल हो रही है ना, और सेम मैग्नीट्यूड की रेनफॉल हो रही है, उसको अगर कोई लाइन ज्वाइन करती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइसोहाइट। ठीक है, क्लियर है। चलिए, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ये कोई एक एरिया है, ठीक है। अब इसमें मैं आइसोहाइट ड्रॉ करूंगा, मतलब वो लाइन जिसमें इक्वल रेनफॉल है, ठीक है। मान लो ये कोई एक लाइन है पी नॉट, ठीक है। ये क्या है, एक कोई लाइन है पी नॉट, जिसमें क्या, ये क्या आइसोहाइट लाइन है, मतलब इसमें हर पॉइंट पे, इस लाइन में हर पॉइंट में जहां मैं चेक करूंगा वहां पे मेरा रेनफॉल कैसा आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। सिमिलरली ऐसा P1 मान लेते हैं इसको, ये हो गया P3, नहीं सॉरी P2, ये क्या हो गया P3, और ये आपका क्या कहलाएगा, आखिरी वाला P4। क्लियर है। अब इनके बीच का कोई एरिया भी होगा, है ना। इसको हम ले लेते हैं A1, A2, A3, A4। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि यहां बारिश हो रही थी P0, यहां हो रही थी P1, तो बीच में कितनी हो रही होगी, हाँ, यहां हो रही है, एक बार फिर से, यहां हो रही है P0, यहां हो रही है P1, तो बीच में कितनी होगी, ये दोनों का एवरेज होगी ना, है ना। अगर यहां हो रही है 20, यहां हो रही है 24, तो मैं क्या कंसीडर करूंगा, 22, और एरिया क्या लूंगा, A1, ठीक है। चलिए देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, PM मतलब मीन प्रेसिपिटेशन इज इक्वल्स टू P0 प्लस P1 बाय 2 इनटू A1। क्लियर है, ऐसे ही करता जाऊंगा मैं। नेक्स्ट क्या होगा, P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय 2 इनटू क्या हो जाएगा, इनटू A2। क्लियर है। नेक्स्ट ऐसे ही करते करते मेरा लास्ट क्या आ जाएगा, प्लस P3 प्लस P4 अपॉन 2 इनटू A4। क्लियर है। नेक्स्ट हम इसके डिवाइड किससे करेंगे, होल एरिया से, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। क्लियर है। अब एक और चीज जो बहुत मेन है, अगर ये P0, P0 गिवन नहीं है, है ना, और ये स्टेशन के बाहर है, मान लो कैचमेंट के बाहर है और गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम P1 को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे मैं बता दे रहा हूँ, मान लो मुझे ये 20 नहीं दिया होता, ठीक है, और ये P0 बाहर होता थोड़ा सा, तो मैं क्या करता, पहले स्टेशन के लिए ये P0 प्लस P1 नहीं करता, मैं क्या करता, मैं करता सिर्फ P1 इंटू A1, और बाकी का फिर मैं एवरेज करता जाता, ठीक है। क्लियर है, क्या बोला मैंने, मैंने ये बोला कि अगर ये P0 बाहर होता, ठीक है, और मुझे गिवन भी नहीं होता कि ये P0 की वैल्यू क्या है, तो मैं क्या करता, P0 और P1 का एवरेज नहीं करता, पूरे को P1 लेता और A1 से मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है, क्लियर है। और बाकी के पूरे जो हैं वो तो मुझे गिवन है, तो उनका मैं एवरेज करके करता, क्लियर है। एक प्रॉब्लम कराऊंगा और समझ में आएगा, बढ़िया, ठीक है। तो अभी तो हम फॉर्मूला को कुछ ऐसे ही लिख देते हैं नॉर्मल कंडीशन में, क्लियर है। चलिए अब इसके नोट्स डाउन नोट करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं इसका थ्योरी, आपने समझ लिया पूरा, नोट कर लीजिए नोट्स, है ना। तो मीन प्रेसिपिटेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन विच कैन बी एज्यूम यूनिफॉर्म ओवर एन एरिया, है ना। मीन क्या हो रहा है, एक पॉइंट रेनफॉल निकाल रहा है रेन गेज, हम क्या कर रहे हैं, उस एरिया के बहुत सारे रेन गेज का उठा के एवरेज कर ले रहे हैं, तो मीन प्रेसिपिटेशन आ जाएगा पूरे एरिया का, यही लिखा, ठीक है। इफ द एवरेज प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया इज नोन, अगर आपको एवरेज प्रेसिपिटेशन पता है ना, और एरिया भी पता है, तो आप ऑटोमेटिक वैल्यू वॉल्यूम निकाल सकते हो वाटर की, है ना, यही लिखा है। इफ द एवरेज प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया इज नोन, देन द टोटल रेन वॉल्यूम ऑफ द वाटर कैन बी कंप्यूटेड फॉर दैट एरिया, ओके। अब ये मीन प्रेसिपिटेशन और एवरेज प्रेसिपिटेशन निकालने की तीन मेथड है, मैंने आपको बताया, अर्थमेटिक, थीजन पॉलीगन और
आइसोहाइडल, है ना। अर्थमेटिक का लिख लेंगे नोट्स, क्या है ये मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द रेनफॉल मेजर्ड एट वेरियस स्टेशन इन द कैचमेंट एरिया शो वेरी लिटिल वेरिएशन। ठीक है, ये कब यूज करेंगे हम, जब रेनफॉल यूनिफॉर्म हो, बताया था मैंने, सिंपल मेथड है। और जो एरिया के बाहर के रेन गेज होते हैं उनको हम कंसिडर नहीं करते, किस मेथड में, अर्थमेटिक मीन मेथड में। ठीक है, नाम ही अर्थमेटिक मीन है, तो क्या करोगे आप, एवरेज कर दोगे बस, जितनी भी आसपास रेन गेज का जो डाटा है उसको आप क्या कर दोगे, एवरेज। लेकिन इसकी एक्यूरेसी कैसी है, लीस्ट, ऑटोमेटिक आपको पता ही है ना, जब आप नॉर्मल मीन कर रहे हो तो एक्यूरेसी कैसी आएगी, लीस्ट ही आएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, मतलब इसमें तो यूनिफॉर्म था, अगर कहीं ज़्यादा वेरिएशन में बारिश होती है तो हम क्या करेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे थीजन पॉलीगन मेथड। ठीक है, इसमें लिख लेंगे, इन दिस मेथड द रेनफॉल रिकॉर्डेड एट ईच स्टेशन इज गिवन अ वेटेज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया क्लोजेस्ट टू दैट स्टेशन। ठीक है, क्या करेंगे हम, इसमें बताया था आपको, है ना, जो भी रेन गेज होगा उसको हम अब एक एरिया में बांट देंगे, एक बहुत बड़े कैचमेंट को छोटे छोटे एरिया में बांट देंगे और हर रेन गेज को एक एरिया अलॉट कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो मैंने आपको प्रोसेस भी बताया था, अभी आप लिख भी लेना। ठीक है, इट इज़ मोर एक्यूरेट, ऑब्वियसली ये मोर एक्यूरेट होगा किससे, अर्थमेटिक मीन मेथड से, है ना, क्योंकि आप इसमें वेटेज भी डाल रहे हो एरिया के हिसाब से रेन गेज के ऊपर। ओके, लेकिन ये आइसोहाइटल मेथड से थोड़ा कम क्या है, एक्यूरेट। क्यों, क्योंकि ये एलिवेशन को कंसिडर नहीं करता, है ना, सुटेबल फॉर प्लेन एरिया बट इट डज नॉट कंसिडर एलिवेशन। हमने कहीं एलिवेशन का कंसिडरेशन लिया नहीं, हम तो सिर्फ 2D में एनालिसिस कर रहे थे ना, है ना। आखिरी लिखेंगे, इन दिस मेथड होल एरिया इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एरियाज इन विच एज्यूम दैट रेनफॉल इज यूनिफॉर्म, है ना, यूनिफॉर्म एज्यूम करते हैं हम इसमें, लेकिन स्मॉल स्मॉल एरिया के लिए, पूरे कैचमेंट के लिए नहीं। पूरे कैचमेंट के लिए यूनिफॉर्म किस में एज्यूम करते हैं, अर्थमेटिक मीन मेथड में। क्लियर है, नोट कर लेंगे इसको पॉज करके दोनों मेथड्स को। अब हम देखते हैं, मैंने जो आपको स्टेप्स करवाए थे, जैसा हमने बांटा था अलग अलग रेन गेज को एरिया में, उनको एरिया अलॉट किए थे, वो कैसे अलॉट किए थे वो ये लिख लेंगे नोट्स। डिवाइड द एरिया इनटू नंबर ऑफ कन्वेंशनल ट्रायंगल, पहला हमने क्या किया था, नंबर ऑफ कन्वेंशनल ट्रायंगल में उसको डिवाइड किया था, लेकिन और एक कंडीशन क्या थी कि कोई भी लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा और, या तो आप उसको नंबर ऑफ कन्वेंशनल ट्रायंगल्स में बांट दो, या फिर उसको और अच्छे से समझने के लिए कोई भी दो स्टेशन को एक लाइन से ज्वाइन करो, बट इट शुड नॉट क्रॉस एनी अदर लाइन। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब आपने पूरे नंबर ऑफ कन्वेंशनल ट्रायंगल्स में उनको बांट दिया, उसके बाद बाइसेक्टर ड्रॉ किया था हमने, और उस बाइसेक्टर को क्या किया था, एक्सटेंड। ठीक है, लेकिन एक्सटेंड आप ऐसा करोगे कि लाइन शुड नॉट पास थ्रू एनी स्टेशन, किसी और स्टेशन से लाइन पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, जो एरिया आ गया अलग अलग रेन गेज का उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम इस फॉर्मूले में डाल देंगे, P1 ऑब्वियसली गिवन होगा आपको, रेन गेज आपको रीडिंग देगा कि कितनी डेप्थ आई है, इनटू जो एरिया आपने निकाला है एनक्लोज्ड होके, उससे मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे हम टोटल एरिया ऑफ द कैचमेंट से। क्लियर है, चलिए थर्ड मेथड देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड मेथड, जो कि है आइसोहाइटल मेथड, है ना। मैंने आइसोहाइट की आपको डेफिनेशन भी बताई थी, क्या होता है ये, जो रेनफॉल इक्वल मैग्नीट्यूड की लाइन को ज्वाइन करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक कोई पॉइंट है इक्वल रेनफॉल की, उसको एक लाइन ज्वाइन करेगी, उसको मैं क्या बोलूंगा, आइसोहाइट लिखेंगे। इट इज़ अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल रेनफॉल मैग्नीट्यूड, या आप बोल सकते हो इसको क्या है, ये कंटूर ऑफ इक्वल रेनफॉल, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोहाइट। क्या करते थे इसमें हम, हमको पहले मैप में प्लॉट कर लेना है कि कहाँ कहाँ पे रेन गेज के स्टेशन है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिवली इंटरपोलेट बिटवीन गेजेस एट अ सेलेक्टेड इंटरवल। ठीक है, और हमने क्या देखा था, पूरे एरिया को हमने उस आइसोहाइट की लाइन में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, और फिर एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना, लिख लेंगे सारे पॉइंट्स। और आखिरी में इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था PM इज इक्वल्स टू, हम क्या करते थे, दोनों आइसोहाइट के बीच का एरिया लेते थे, तो आइसोहाइट को भी क्या करोगे आप, एवरेज करोगे, है ना, फॉर्मूला बन गया।
ये मेथड क्या है, मोर एक्यूरेट है एज कंपेयर टू अदर वंस, है ना, और स्टेशन जो आउटसाइड द कैचमेंट है उसमें उसको भी ये कंसिडर करती है। कौन सी मेथड कंसिडर नहीं करती बताइए, अर्थमेटिक मीन मेथड, बाकी दोनों मेथड कंसिडर करते हैं अगर आपका रेन गेज स्टेशन कैचमेंट के बाहर है तो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए डिफिकल्ट क्वेश्चन तक जाएंगे। पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे, इन अ कैचमेंट देयर आर 5 रेन गेजेस, ओके, द रेन फॉल डाटा कलेक्टेड बाय देम इन ईयर 2018 आर एस फॉलोस। ठीक है, तो ये क्या दिया है आपको, सिर्फ रेनफॉल दी हुई है, तो आप इससे क्या समझ सकते हो कि ये मेथड कौन सी है, अर्थमेटिक मीन मेथड है, है ना, क्योंकि ना इसमें एरिया दिया है ना कोई डायग्राम दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे सिर्फ, और ये क्या है, सारे रेनफॉल के जो पॉइंट्स हैं वो भी क्या है, ज्यादा वेरी नहीं कर रहे हैं, है ना, तो ये कौन सी मेथड है, अर्थमेटिक मीन मेथड से हमको इसमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या है, फाइंड द एवरेज रेनफॉल इन द कैचमेंट, ओके, तो बहुत सिंपल है ये तो, अर्थमेटिक मीन मेथड क्या होता है, पी एम इज इक्वल्स टू क्या करते हैं हम, पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री अप टू पी एन डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे हम, 58 प्लस 59 प्लस 60 प्लस 63 प्लस 61 डिवाइड किससे होगा, ये 5 से, तो आपका आंसर क्या आएगा, है ना, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा आपका, ये हो जाएगा 301 डिवाइडेड बाय 5 जो कि इक्वल होगा 60.2 के, है ना, यूनिट क्या होगा इसका, सेंटीमीटर। क्लियर है, सिंपल था एकदम, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट में आते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द एवरेज रेनफॉल ओवर अ कैचमेंट विद द थीसन पॉलीगन मेथड। इसमें पहले ही बोल दिया आपको किससे निकालना है, थीसन पॉलीगन मेथड से। ठीक है, स्टेशन भी दिए हुए हैं, रेनफॉल भी दिया हुआ है और एरिया भी दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, है ना, ये आपने नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, मैं अभी इसको मिटा देता हूं। चलो, तो थीसन पॉलीगन मेथड में क्या होता है, थीसन पॉलीगन बहुत ही सिंपल है, क्या फॉर्मूला था, पी एम इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था, पी एम इज इक्वल्स टू पी वन ए वन, या यहां पे ए है तो आप पी ए ले सकते हो, प्लस पी बी ए बी प्लस पी सी ए सी अप टू प्लस पी ई ए ई। ठीक है, तो अभी हमने सिंपल वाला थीसन पॉलीगन देख रहे हैं, इसके बाद हम डायग्राम वाले पे जाएंगे एडवांस लेवल पे। ठीक है, अभी पहले नॉर्मल लेवल देख लेते हैं, कई बार क्या होता है आपको एरिया भी दिया होता है, रेनफॉल भी दी होती है, सिंपल होता है, बस मल्टीप्लाई करो निकाल लो, है ना, कई बार लेकिन आपको डायग्राम दिया होता है उसमें रेनफॉल दी होती है लेकिन एरिया आपको खुद बाइसेक्ट करके निकालना होता है, वो जो मैंने रूल बताए थे उससे। ठीक है, नीचे क्या आएगा, टोटल एरिया, तो सारा एरिया क्या कर देंगे हम, इसको एड कर देंगे। ठीक है, ए ई, चलिए, तो क्या है, पी ए कितना है, पी ए है 15/5 इंटू 8, है ना, एरिया कितना है 8, तो मैं यहां लिख सकता हूं 5/8 सा डायरेक्ट लिख दूं दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो डायरेक्ट जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, क्या हो जाएगा 40, पी एम इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना, 8/5 = 40। नेक्स्ट क्या है, पी बी का 15/6 प्लस 90 लिख सकता हूँ मैं इसको, 15/6 = 90, फिर 10 और 5 है तो 50, 10/5 = 50। नेक्स्ट हम 25/2 फिर से 50 प्लस 35/4 विच इज इक्वल्स टू 140 डिवाइड किससे करेंगे, टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना है, 8+6 = 14 और 5 = 19 और 2 =
21, 21 और 4, 25, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं, 14, 5, 19, 21, 25, वेरी गुड, 25। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा आपका 14.8। कितना आएगा, 14.8। अब इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर दिया हुआ रेनफॉल का यूनिट, तो क्या आएगा इसका भी यूनिट, सेंटीमीटर। क्लियर है, सिंपल। अब थोड़ा सा और एडवांस जाएंगे, आ जाइए थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। कैलकुलेट द एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल यूजिंग अर्थमेटिक मीन मेथड एंड थीजन पॉलीगन मेथड। इसमें क्या करना है, दोनों मेथड से निकालना है आपको, ठीक है। द रेनफॉल अमाउंट आर इंडिकेटेड इन mm, mm में दिया हुआ है, एट द रिस्पेक्टिव गेज साइट, ठीक है। स्टेशन कितने हैं, 8 स्टेशन है, सबकी रेनफॉल दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, लेकिन साइड में एक और चीज लिखी हुई है, क्या, द स्टेशन 4, 6, 8 आर आउटसाइड द कैचमेंट एरिया, ठीक है। तो जब स्टेशन आउटसाइड द कैचमेंट एरिया होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको अर्थमेटिक मीन मेथड में कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन मेथड में आप किस किस को कंसिडर नहीं करोगे, 4 को नहीं करोगे, 6 को नहीं करोगे और 8 को नहीं करोगे, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन थीजन पॉलीगन मेथड में बाहर वाले को भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम अर्थमेटिक मीन मेथड से निकालेंगे, ठीक है, पहले हम किससे निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन मेथड से, अर्थमेटिक मीन मेथड, क्या होता है, अभी निकाला था हमने इसका, है ना, सिंपल है बहुत। किस किस को कंसिडर करोगे, 1, 2, 3, 5 और 7, ठीक है। तो पी एम इज इक्वल्स टू क्या करोगे आप, 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 12, नहीं करोगे 12 की जगह क्या करोगे, 8 प्लस 14, नहीं करोगे क्या करोगे, 25, ठीक है। और डिवाइड किससे करोगे, 8 से नहीं करोगे, क्योंकि 8 के 8 आप कंसिडर कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो, है ना। तो क्या करोगे आप, किससे डिवाइड करोगे इसको, 5 से, ठीक है। तो जब ऐड कर लोगे तो क्या आएगा आंसर, तो आंसर आएगा आपका 15.6 mm, क्लियर है। चलिए अब इसको एक और मेथड से करना पड़ेगा हमको, किससे, थीजन पॉलीगन से, आइए थीजन पॉलीगन से करते हैं इसको। चलिए थीजन पॉलीगन से क्या हो जाएगा, ये पी एम फॉर्मूला आपको पता ही है, मैंने बताया था क्या, पी वन ए वन पी वी पी टू, इसकी ए और बी की जगह हम क्या लेंगे, पी वन ए वन पी टू ए टू पी थ्री ए थ्री एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो पहले हो गया 10 × 7, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 70, है ना, 10 × 7 = 70, 24 = 80 प्लस 15 × 10 = कितना होगा, 120, सॉरी 15 × 10 = होगा 150 प्लस 12 × 12 = 144 प्लस 8 × 5 = 40 प्लस 14 × 8 = आएगा आपका 112 प्लस, जगह नहीं है तो मैं यही नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस 25 × 400 प्लस 18 × 10 = 180 डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करोगे, पूरे एरिया के सबमिशन से, टोटल एरिया 4, 7 + 4 + 10 + 12 + 5 + 8 + 4 + 10, ठीक है। तो अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 12.933 mm। तो देख रहे हो आप डिफरेंस कितना है, 15 उसमें आया था, इसमें कितना आया, इसमें आया था 15.6, इसमें आया है
12.933, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अच्छे एक्यूरेट मेथड पे जाओगे आपका आंसर और ज़्यादा एक्यूरेट आता जाएगा, ठीक है।